सत श्री अकाल जी सारे आयस का भाग 48 लेके हाजिर है। अज के इस भाग विच असीं हाउ टू राइट एन आंसर इन मिसिंग जिहड़ा उहदे बारे पढ़ांगे, यानी कि जिहड़ी वर्ड जां नंबर इंस्ट्रक्शनज दित्ती हुई है उहनूं असीं किवें उहनां दे अनुसार जिहड़ा असीं अपना आंसर है किवें लिख सकदे, उहनूं चंगी तरह समझांगे। सो शुरू करदे हां, वेज टू करैक्टली राइट एन आंसर इन लिसनिंग, तां जिहड़ा करैक्टली है वो आंसर असीं किवें कर सकदे। सो जिवें पहली इंस्ट्रक्शन दित्ती हुंदी है, नो मोर दैन थ्री वर्ड्स एंड और ए नंबर। सो इत्थे जिहड़ी कंडीशन है जी वो एंड दी भी दित्ती हुई है ते और दी भी दित्ती हुई है, थ्री वर्ड्स दित्ते हुए ते एक नंबर है। सो इहदे विच जे असीं लिखांगे वन वर्ड तां वी साडा जिहड़ा आंसर है वो करैक्ट है, टू वर्ड लिखांगे तां वी साडा आंसर करैक्ट है, थ्री वर्ड्स लिखांगे तां वी जिहड़ा साडा आंसर है वो करैक्ट है, ते जे असीं वन वर्ड प्लस वन नंबर लिखांगे वह भी करैक्ट है, टू वर्ड्स प्लस एक नंबर लिखांगे वह भी करैक्ट है, थ्री वर्ड्स प्लस एक नंबर लिखांगे वह भी करैक्ट है, जे सिंगल नंबर लिखांगे वह भी करैक्ट है। सो जिथे नो मोर दैन थ्री वर्ड्स एंड और ए नंबर आई उथे तुसीं जिहड़ा हेठ लिखा तो जिहड़ा भी आंसर लिखोगे वह जिहड़ा तुहाडा सही होगा। वन वर्ड लिखोगे, टू वर्ड लिखोगे, थ्री वर्ड लिखोगे, वन वर्ड प्लस नंबर, टू वर्ड प्लस नंबर, थ्री वर्ड प्लस नंबर, तो सिंगल नंबर भी लिखोगे तो भी जो थोड़ा आंसर है जी वह सही होगा। दूजे ये आ जाए जी नो मोर दैन टू वर्ड्स एंड ए नंबर। सो इतनी जी कंडीशन लगी हुई है एंड की कंडीशन है जी कि दो शब्द एक नंबर उन्होंने विचकार है जिहड़ा एंड। सो इतने जो करैक्ट आंसर होगा वन वर्ड प्लस नंबर लिखोगे वह भी करैक्ट है, टू वर्ड्स प्लस जिहड़ा नंबर लिखोगे वह भी करैक्ट है, होर जिहड़ा कोई एल्स लिखोगे वह करैक्ट नहीं होना। सो वन वर्ड प्लस नंबर लिखोगे यह भी करैक्ट है, टू वर्ड प्लस नंबर लिखोगे यह भी करैक्ट है, सिंगल नंबर लिखोगे यह सही नहीं होना जी। सो इतने जो सही आंसर होंगे वन वर्ड प्लस नंबर टू वर्ड प्लस नंबर, यही जे करैक्ट आंसर होंगे क्योंकि इतने जी एंड की जी कंडीशन लगी हुई है। तीजा आ जाता नो मोर दैन वन वर्ड और ए नंबर, या तो एक शब्द या एक नंबर। सो इत और भी कंडीशन लगी हुई है पर है एक ही। सो इत जब तुम वन वर्ड लिख सकते हो या वन नंबर लिख सकते हो, दो ही नहीं लिख सकते, या तो वह शब्द लिख दे एक या एक नंबर लिख दे, बस यही है जेडे दो करैक्ट आंसर होंगे, बाकी जो लिखोगे वह तुहाडा रोंग आंसर हो जाऊगा। अगे लिखा नो मोर दैन वन वर्ड, जिथे कंडीशन आ जाती है एक ही शब्द लिखना, मान लो तुम लिसनिंग च सुने 50 तो नंबर के भी हो सकता है या शब्दों के बोलेंगे, पर जो आंसर करना है क्योंकि वर्ड लिखे हुआ तो वर्ड के ही लिखना है, तो ज्यादातर असं कैपीटल च ही लिखते। सो जो शब्दों के लिखना है 50 तो लिसनिंग जो भी करोगे जेकर उन्होंने कंडीशन देती वन वर्ड है तो तुम जो शब्दों के ही लिखना है, मान लो लिसनिंग तुम 25 सुन लिया तो यह सुनने लगेगा कि ये दो शब्द बन रहे हैं, नहीं उसके लिए तुम हाइफन का यूज कर सकते हो 25, तो जो असं हाइफन का यूज करते हैं वह भी एक वर्ड ही बन जाता है, वह एज ए सिंगल वर्ड जो काउंट होंगे। सो यह भी की है वन वर्ड बन जाता है, करैक्ट आंसर है जो 25 हाइफन के जो दो शब्द जो अभी जोड़ते हैं वह एज ए वन वर्ड का काम ही करते हैं, सिंगल वर्ड का जो काम करते हैं। अगे नो मोर दैन ए नंबर, तो जे एक नंबर आ जाए जिम्मे 400 है तो वह भी एक नंबर है, जे 10,000 आ जाता या 1,00,000 आ जाता वह भी एक नंबर ही काउंट होंगे। सो इन्हों के जो करैक्ट आंसर है। अगे है जी नो मोर दैन वन वर्ड, तो जी लिसनिंग कोई भी जीमेल सुन ली जिम्मे हरदीप 864@gmail.com, तो जो आंसर ज्यादातर कैपीटल च ही करते हैं। सो एक ईमेल भी जोड़ा एक सिंगल वर्ड ही होंगे, वन वर्ड ही होंगे। सो ईमेल जी पूरी एक सिंगल वर्ड है काउंट किया जाता या एक वन वर्ड काउंट किया जाता, सो यह जो करैक्ट आंसर है जो कैपीटल लिखा। तो लास्ट वाली जी सुजैशन है कि जो आंसर है जो सारी कैपीटल लैटर्स लिखो ताकि जो ज्यादातर आंसर है जो करैक्ट हो। सो इन इंस्ट्रक्शन का जो ध्यान रख सकते हो, तो लिसनिंग अपना जो प्रोपरली आंसर कर सकते हो, तो अपने लिसनिंग स्कोर भी वाधा कर सकते हो। सो धन्यवाद।